नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में वर्ल्ड में कृषि उत्पादन से संबंधित डेटा और भारत में कृषि संबंधित डेटा का एनालिसिस करेंगे। किस देश में कौन सा खाद्यान्न सबसे ज़्यादा पैदा होता है और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चावल। तो चावल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीन और भारत, और इंडिया में बंगाल फिर उत्तर प्रदेश। तो चावल सबसे ज़्यादा चीन में फिर भारत में, और इंडिया में बंगाल फिर उत्तर प्रदेश। गेहूँ चीन और भारत, और इंडिया में उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश। तो गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन और भारत, गेहूँ चावल का सेम है, और भारत में उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। फिर आते हैं हम लोग गन्ना पे। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है, उसके बाद भारत करता है। और जो है आपका इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर वन पे है और उत्तर प्रदेश नंबर टू पे है, थोड़ा सा विलोम हो जाता है। कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील फिर कोलंबिया। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील करता है फिर कोलंबिया, और इंडिया में कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, के फॉर कर्नाटक, के फॉर केरल, के फॉर कॉफी। नारियल, तो नारियल सबसे ज्यादा इंडोनेशिया और उसके ऊपर इधर फिलीपींस, और इंडिया में तमिलनाडु और फिर कर्नाटक। तो रबड़ तमिलनाडु कर्नाटक, दो दो स्टेट हमें याद रखने हैं, ज्यादा नहीं। रबड़ प्राकृतिक रबड़, सिंथेटिक रबर अलग चीज होती है, प्राकृतिक रबर सबसे ज्यादा थाईलैंड फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड फिर इंडोनेशिया, और इंडिया में केरल, उसके बाद तमिलनाडु, केरल फिर तमिलनाडु। सोयाबीन सबसे ज्यादा अमेरिका फिर ब्राजील, और आपका इंडिया में मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र। फिर दाल, दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में फिर रूस में, और इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश फिर राजस्थान दाल का उत्पादन। तो ये कुछ उत्पादन है, आगे हम लोग देखते हैं और उत्पादन, और लास्ट में आपको शॉर्टकट बताएंगे याद करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग अपना अगला वीडियो मतलब आगे बढ़ते हैं उत्पादन की तरफ, चाय। तो आपको हम बता दें, अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे किन देशों को याद रखना है, तब तक आप वीडियो देख लें। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन और भारत करता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा आसाम और फिर बंगाल, ठीक है, आसाम के नीचे बंगाल, दार्जिलिंग वगैरह बंगाल में है, अच्छी चाय की बागानी। मूंगफली, मूंगफली चीन फिर भारत, और इंडिया में गुजरात और फिर राजस्थान, ठीक है, गुजरात और फिर राजस्थान। सरसों, अब देखिए सरसों जो है वर्ल्ड में कभी पूछी नहीं गई है, जो जो फसल वर्ल्ड में नहीं पूछी गई है उनको हम केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ही देखेंगे, अधिक डेटा तैयार करने कोई जरूरत नहीं है। सरसों राजस्थान हरियाणा एमपी, तो सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान फिर हरियाणा और फिर एमपी में। कपास चीन भारत और फिर इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों काली मिट्टियों के बेल्ट है, गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होता है, उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टियां ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में हुआ क्या कि कपास की खेती को गन्ना ने शिफ्ट कर दिया। अब सिंचाई की सुविधा जैसे जैसे बढ़ती गई, लोग गन्ना का उत्पादन ज्यादा करने लगे, तो वर्तमान में कपास में गुजरात नंबर एक पे है, महाराष्ट्र नंबर दो पे। तो कपास की उत्पादकता पूछ ली जाती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर एक पे है, हरियाणा नंबर दो पे, ठीक है, उत्पादकता पंजाब की ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं तिलहन। कुल तिलहन फसलों में एमपी नंबर एक पे है और राजस्थान नंबर दो पे। तिलहन फसलों में आपने देखा कि राजस्थान सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, फिर सूर्यमुखी कर्नाटक और हरियाणा, और मक्का कर्नाटक मध्य प्रदेश में। तो मक्का सूर्यमुखी है कर्नाटक में नंबर एक है,
बाजरा राजस्थान, बाजरा बहुत कम पानी मांगता है और ऐसी जगह होता है जहाँ पे कम से कम पानी, सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल ना हो। तो बंजर जमीन में ही बाजरा होता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब हम ये आप एक बार फिर से देख ले, चार, चीन भारत, चीन भारत वर्ल्ड में और इंडिया में, आसाम और पश्चिम बंगाल, मूंगफली चीन भारत, गुजरात और राजस्थान इंडिया में, सरसों सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर एमपी, कपास का चीन भारत और इंडिया में, गुजरात महाराष्ट्र, कपास की उत्पादकता सबसे ज्यादा पंजाब में है, फिर हरियाणा में। तिलहन फसलों, कुल तिलहन फसल एमपी में सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान, सूर्यमुखी कर्नाटक, फिर हरियाणा, मक्का कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इनको याद करने क्या तरीका है कि आप इनके सबके प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए, वीडियो सुनने के बाद उनका लिखिए, पहले टॉप वन का लिखिए और फिर उसके बाद देखिए। ठीक है, अब हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं। तो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि किन किन फसलों में चीन नंबर एक पे है और भारत नंबर दो पे है। देखिए ये मूंग, मूंगक चाचा आगे, मूंग इसको एक लाइन में याद रखेंगे तो मूंग से मूंगफली। इसमें इन सारे प्रोडक्ट में चाइना नंबर एक पे है और भारत नंबर दो पे है वर्ल्ड में। काफौर कपास, चा से चाय और चा से चावल, आ से आलू और दस गे से गेहूं। इनमें क्या है, सब नंबर एक पे है। उसके बाद कुछ फसल है जैसे केला, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है केला का, और इंडिया में गुजरात। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इतना ही आपको क्लास में बताया जा रहा है कि ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इनमें से ही आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम लोग वर्ल्ड और भारत के मिनरल्स, मतलब कहाँ कौन सी खनिज मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।